हाँ जी, तो एक बार फिर आप सभी नौजवान ऊर्जावान मल्टी टैलेंटेड युवाओं का स्वागत है, यानी वेलकम 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 है एटमिक स्ट्रक्चर के लेक्चर नंबर 2 में। तो लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने क्या देखा था, बस इंट्रोडक्शन देखा था कि कैसे एटमिक स्ट्रक्चर्स और एटम्स के बारे में हमारा नॉलेज ग्रेजुअली बढ़ा, और कैथोड रे एक्सपेरिमेंट हम लोग पढ़ रहे थे जिससे हम इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी करने वाले थे या किए थे। देन उसमें आगे हम लोग पढ़े थे EYM रेशियो, जे थॉमसन ने EYM रेशियो बताया, ठीक है, यानी चार्ज और मास का उन्होंने रेशियो बताया। और फिर आप उस किताब में पढ़ते भी होंगे या जानते भी होंगे कि मिलिकन ने चार्ज निकाला कब, 1909 में, और ये कब है पता ही, पहले ये देन चार्ज बाद में उन्होंने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से निकाला। तो सवाल ये उठता है कि चार्ज और मास पहले से पता चल गया था क्या, चार्ज और मास पहले से पता चल गया था तो बाद में चार्ज निकालने की क्या जरूरत है, सिंपल सा बात है। तो इसका जवाब सुन लीजिए सर, जे थॉमसन ने चार्ज और मास यानी ई और एम जो निकाला था, न वो स्पेशली अलग से चार्ज निकाले थे, न स्पेशली वो अलग से मास निकाले थे, ठीक है। उन्होंने एक फार्मूला ईजाद किया था और उन्होंने कैलकुलेशन किया था, उस कैलकुलेशन के आधार पर कहा था कि इसका वैल्यू ई और एम के बराबर होता है, ठीक है। इसीलिए अलग से ई मिलिकन को निकालना पड़ा, यानी चार्ज अलग से निकालना पड़ा, और देन वो चार्ज निकाले तो बाद में वो मास भी हम लोग को निकाल के बता दिए। यानी एक्चुअली में नाक आप दो तरीके से छू सकते हैं, दैट इज द सिंपल वे, एक नाक को ऐसे भी घुमा के छू सकते हैं, ठीक है, ऐसे ले लीजिए छू दी, क्या बात है सर। तो जे थॉमसन ने नाक ऐसे नहीं छुआ था, ऐसे छुआ था, ठीक है सर, इसलिए आपको नाक ऐसे छूने की जरूरत पड़ गया। यानी चार्ज और मास वो डायरेक्टली न चार्ज निकाले थे न मास निकाले थे, उन्होंने फॉर्मूला निकाला था, उस आधार पर बताया था कि दिस द वैल्यू ऑफ दिस फॉर्मूला विल बी इक्वल टू चार्ज एंड मास, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है। देखिए सर, ये है मेरा बूम, देखिए सर ये एक ग्लास ट्यूब है, ग्लास का बना हुआ है, अरे वाह वह तो सुंदर है, नहीं स्मार्ट है क्या, ग्लास ट्यूब स्मार्ट होता है, बिल्कुल स्मार्ट होता है सर। हाँ जी, ये ग्लास ट्यूब है, ये देखिए ये आपका क्या है, जी हाँ ये निगेटिव प्लेट है, यानी ये आपका कैथोड है, देख रहे हैं ये कैथोड है सर, ये आपका एनोड है, देखिए क्यों एनोड है आप पता ही है, प्लस से जुड़े हुए हैं, ऐसे जुड़े हुए हैं, यहाँ से एक देखिए पोर्स है, इससे एक रेज को आप पास करते हैं, एक पार्टिकल्स को आप पास कराते हैं, एक इलेक्ट्रॉन्स को पास कराते हैं, ठीक है सर, ऐसे पास कराते हैं, ऐसे पास कराते हैं, ऐसे पास कराते हैं, ऐसे पास कराते, ऐसे पास कराते, इसको यदि कोई तनाव नहीं हो, कोई टेंशन नहीं हो तो क्या होगा, बेचारा सीधा रास्ता में जाएगा, गाना गाते हुए झूमते हुए जाएगा, आप लोग जैसे झूमते झूमते हैं ना सर, कान में ऐसे लगाते हैं, ऐसे ऐसे चलते हैं, नहीं बसरते के बगल से कोई आ जाए पता नहीं चले तो सर थोड़ा सा ये कम लगाइए, और लगाइए भी तो थोड़ा बैठ के सुनिए ना, क्या दिक्कत है सर, बुरा नहीं मानी, बस सही बात बता रहे हैं। देखिए तो यदि कोई टेंशन नहीं हो तो इसमें से ये एक पार्टिकल निकलेगा, क्या होगा, ऐसे ऐसे झूमते हुए चला जाएगा, ठीक है। देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड हम लगाए हैं, ठीक है, जहां क्या होता है साउथ पोल और नॉर्थ पोल होता है, ठीक है सर, मैग्नेटिक फील्ड पहले हम करते क्या है, इसको नहीं देखना है, ठीक है, हम इजी चूंकि बन नहीं रहा था तो इसलिए हम बना लिए, हाँ इसको नहीं देखना है, नहीं देखिए, हाँ यदि यहाँ आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे सर, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब जानवे करते हैं प्लस और माइनस लगा देंगे, ठीक है सर, प्लस माइनस लगा देंगे तो ये प्लस ऊपर लगा दिए या माइनस लगा दिए, तो देखा गया कि ये जो सीधा ऐसे जो जा रहा था वो डिफ्लेक्ट होकर के, देखिए सर ये डिफ्लेक्ट होकर के इस ढंग से ऐसे मुड़ गया, देख रहे ये डिफ्लेक्ट होके ऐसे है, किधर मुड़ा ये, एक ही ओर डिफ्लेक्ट कर गया, क्या डिफ्लेक्ट कर गया। और देखिए सर ये कैसे है, बिल्कुल ये ऐसे है, देखिए ये ग्लास ट्यूब है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगाए ऊपर नीचे, देख रहे हैं ऊपर नीचे, ये ग्लास ट्यूब है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस माइनस हम लोग कैसे लगाए हैं, हाँ जी ऊपर नीचे ऐसे लगाए, देखिए ऐसे ऊपर नीचे लगाए, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे लगाएंगे, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लगाना है ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, देख रहे हैं ये ग्लास ट्यूब है, ये ग्लास ट्यूब है, देखिए ये ऐसे जा रहा है पार्टिकल, ऐसे कैथोड रे जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड आप ऊपर नीचे ऐसे लगाएं। अब आपको कह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड यदि लगा दीजिए, ठीक है, नहीं आप इलेक्ट्रिक फील्ड को हटा दीजिए, हटो इलेक्ट्रिक फील्ड को हटा दीजिए, और मैग्नेटिक फील्ड ये है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे लगाइए ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर नीचे है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है सर, देख रहे हैं बगल में परपेंडिकुलर है, समझ रहे हैं सर, ऊपर नीचे यदि इलेक्ट्रिक फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड कैसे लगाए,
बगल से ऐसे ऐसे ऐसे, देखिए ये मेरा हाथ, देखिए मैग्नेटिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर नीचे है, आइए क्या है, पैरेलल है, दैट वन इच अदर परपेंडिकुलर हो गया, नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रूफ। तो यदि आप पहला बार क्या कहें आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो वो जो सीधा रास्ता में जा रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेट मूव कर रहा था वो ए की ओर यानी पॉजिटिव प्लेट की ओर डिफ्लेक्ट कर गया और डिफ्लेक्ट करने के बाद ये ए पर स्ट्राइक किया। ठीक, अब इलेक्ट्रिक फील्ड यदि हटा लेंगे आप, ऐसे हटा देंगे, ऐसे मिटा देंगे, ठीक है सर, केवल मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो आपको पता है कि किसी भी चार्ज पार्टिकल को यदि इलेक्ट्रिक फील्ड में आप मूव कराते हैं तो वो डिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो उस स्थिति में ये क्या करेगा सर, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में यानी ये सी की ओर डिफ्लेक्ट करेगा, ऐसे ये ऐसे डिफ्लेक्ट कर जाएगा। ठीक है, जे जे थॉमसन ने क्या किया, ठीक है सर, क्या किया कि बोथ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को अरेंज किया और दोनों के पावर को, ठीक है, दोनों के फोर्स को ऐसे एडजस्ट किया कि ये न इधर जाए न इधर जाए, ये किधर जाए, ये सीधा रास्ता यानी ऐसे ट्रेवल करे यानी बी की ओर स्ट्रेट, यानी स्ट्रेट ट्रेवल करे। तो उस दौरान उन्होंने कहा कि ई वाई एम यानी इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास का रेशियो दैट विल बी इक्वल टू ई बाई बी स्क्वायर इंटू आर, जहां ई जो है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है यानी इलेक्ट्रिक फोर्स, ये क्या है मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स है, ये आर क्या है, तो ये आर तो भैया या तो मुश्किल है, मुश्किल क्या है बताना पड़ेगा, यह पूरा डिटेल से समझाना पड़ेगा, नहीं तो कहेंगे बस होता है, ये रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में जो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ फॉलो करता है उसका रेडियस है, हम कह रहे हैं। ठीक है सर, तो बात समझ गए, ये बुक के हिसाब से आप समझ गए क्या हुआ, यहां से जो आप इलेक्ट्रॉन्स निकलता है, ठीक है, यदि कुछ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ना हो तो स्ट्रेट ऐसे बी पर स्ट्राइक करेगा, यदि केवल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे प्लस माइनस है ना ऐसे लगाएंगे तो ये डिफ्लेक्ट कर जाएगा, डिफ्लेक्शन किधर होगा, पॉजिटिव प्लेट की ओर यानी ए की ओर स्ट्राइक करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आप हटा लीजिए, इस सबको हटा लीजिएगा, ऐसे ऐसे करके हटा लीजिएगा, मैग्नेटिक फील्ड लगाइएगा तो मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्ट करेगा, कि मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट करता है, डिफ्लेक्ट किधर करेगा वो सी की ओर डिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है सर, किधर डिफ्लेक्ट करे, सी की ओर डिफ्लेक्ट करता है। तब जे जे थॉमसन ने क्या किया, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को दोनों को साइमल्टेनियसली अप्लाइड किया और साइमल्टेनियसली अप्लाइड ऐसे किया और दोनों के पावर को, दोनों के फोर्स को ऐसे एडजस्ट किया कि प्लस और माइनस एन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे अरेंज किया कि वो जो चार्ज पार्टिकल था वो क्या करे, स्ट्रेट ट्रेवल करे, वैसे ही ट्रेवल करे जैसे कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहता है तो गाना गाते हुए जैसे मूव करता है, वैसे ही इसको गाना फिर से गवा दिया, कैसे, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के पावर को एडजस्ट करके, देन वो ट्रेवल कैसे किया, स्ट्रेट लाइन बी के, और देन आफ्टर ही उन्होंने कहा ई क्या है, इलेक्ट्रिसिटी फोर्स यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स हो गया, बी मैग्नेटिक फोर्स का फोर्स हो गया, और ये फॉर्मूला पर उन्होंने जब कैलकुलेशन किया तो उन्होंने कहा कि दिस वैल्यू इक्वल टू द चार्ज और मास रेशियो ऑफ क्या चीज, इलेक्ट्रॉन। तो ये इतनी बात आपके लिए हुआ, ठीक है सर, लेकिन पूछने के लिए बहुत सारा सवाल उठता है। ठीक है, तो आपको यदि तनाव ना हो तो अपनी जानकारी के हिसाब से हम थोड़ा सा नॉलेज को आगे बढ़ा देते हैं, जरूरत भले ही ना हो लेकिन फिजिक्स यदि पढ़ते होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री को मिला दीजिए तो थोड़ा सा हम अब आपको इसमें जानकारी दे सकते हैं। ठीक है, जैसे ये जो आर कहाँ से आया सर, ठीक है सर, ये मैग्नेटिक फील्ड में इधर क्यों मिला सर, ये सब कुछ कुछ बातें का हम जवाब आपको दे। एक बात इसमें और आपको कह दे कि डिफ्लेक्शन जो है, ये डिफ्लेक्शन जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड हो या मैग्नेटिक फील्ड में, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिफ्लेक्शन किस पर डिपेंड करेगा, किसी भी मैग्नीट्यूड ऑफ डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन किसी भी पार्टिकल का है ना, आप डिफ्लेक्ट करते हैं, मान लीजिए आप रास्ते से जा रहे हैं, ठीक है, और बगल वाला आपको डिफ्लेक्ट कर लिया, तो किस पर डिफ्लेक्ट करता है, नहीं आप कितना डिफ्लेक्ट होने वाले हैं, नहीं वो कितना डिफ्लेक्ट करने वाला है, पीछे से जो आपको दौड़ाता है उसका कितना पावर है, मतलब क्या है सर, किस पर, ये जो डिफ्लेक्ट करेगा वो डिपेंड करेगा
डिपेंड करेगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, नहीं मास का क्या होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब ये मास ज्यादा होगा किसका, पार्टिकल का, इलेक्ट्रॉन के बदले कोई दूसरा पार्टिकल मान लीजिए एज्यूम करें, तो इलेक्ट्रॉन के बदले दूसरा होगा कोई हेवी पार्टिकल होगा, तो उस समय क्या होगा इधर जो डिफ्लेक्ट करता है वो क्या होगा थोड़ा सा कम डिफ्लेक्ट करेगा, नहीं मोटा आदमी को तो ऐसे धकलोगे तो क्या होगा सेम ताकत से, तो क्या होगा कम धकलाएगा, पतला को धकल ज्यादा धकलेगा, सिंपल सा बात है, मास का उल्टा होगा। देन क्या होगा सर, देन क्या होगा सर, यदि इसका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज किसका, ये पार्टिकल का मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, जितना ही चार्ज ज्यादा होगा उतना ही अट्रैक्ट होगा अपोजिट चार्ज से, है ना, चाहे इलेक्ट्रिक हो चाहे मैग्नेटिक हो, तो पार्टिकल हम इलेक्ट्रॉन के बदले दूसरे किसी पार्टिकल का बात कर रहे हैं, है ना, यदि दूसरा कोई पार्टिकल होगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में, मान लीजिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड में ही रख रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा या कम डिफ्लेक्ट कब होगा, तो वही बात, यदि चार्ज पार्टिकल का मास ज्यादा होगा, कोई कल्पना कीजिए कोई चार्ज पार्टिकल का मास ज्यादा हो तो कौन डिफ्लेक्ट करेगा, किधर, जिधर भी डिफ्लेक्ट करना अपोजिट फील्ड में कम डिफ्लेक्ट करेगा, साथ चार्ज ज्यादा होगा, नहीं मास ज्यादा होगा तो कम डिफ्लेक्ट करेगा, चार्ज ज्यादा होगा तो ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। और देन वेलोसिटी वोल्टेज, वेलोसिटी सॉरी वोल्टेज, वोल्टेज जितना ही ज्यादा होगा उतना ही डिफ्लेक्ट करेगा। तो ये बातें हैं सर, अब जरा देखिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं, जरा इसको कॉपी कर लीजिए, देन हम मिटाएंगे आपको। तो चलिए हुजूर ऐसा है कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री का कॉकटेल बनाइए और उसको पी जाइए, पी जाने में आप पाल मलूर पढ़े होंगे सर, राइट हैंड पाल मलूर, ये ऐसा कुछ पढ़े ऐसे, थोड़ा बहुत हमसे बेहतर आप जानते हैं, हमको पता है, फिर भी हम ट्राई कर रहे हैं आपको समझाने का, ये रूल ये ऐसे क्या है, ये राइट हैंड पाल मलूर जो ऐसे आप बनाते हैं ऐसे, देखिए सर ऐसे, यही ना, देखिए सर ये, चलिए ये जो थंब है आपका, है ना, ये थंब क्या है, ये वेलोसिटी हो चार्ज का, वेलोसिटी हो, वेलोसिटी हो, ये आपका थंब है, ये आपका फिंगर, फिंगर किसको बताता है, नहीं सर ये आपका, हाँ ये यदि फील्ड है, ठीक है, ये आपको हम क्या कर दे, यदि फिंगर ले ले, फिंगर को क्या बताए, तो ये फिंगर मेरा क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड को बताता है, ठीक है। और ये जो आपका परपेंडिकुलर टू पाथ, परपेंडिकुलर टू पाल, ये यहां आपका क्या होगा सर, ये आपका होगा मैग्नेटिक फोर्स, ये मैग्नेटिक फोर्स, ये फोर्स होता है, ये फोर्स हो गया सर, ये देखिए ये फोर्स हो गया, देख लीजिए ये आपका वेलोसिटी, ये फील्ड, ये फोर्स, वेलोसिटी वेलोसिटी फील्ड और ये फोर्स। अब जरा देखिए बताया गया होगा कि यदि ये चार्ज है, देखिए ये चार्ज है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड से, देखिए इस मैग्नेटिक फील्ड से यदि कोई पॉजिटिव पार्टिकल यदि मूव कर रहा, यदि ये पॉजिटिव पार्टिकल मूव करता हो, ठीक है सर, तो ये वेलोसिटी हो गया इसका, और वेलोसिटी हो गया, देखिए ये वेलोसिटी हो गया, है ना, ये वेलोसिटी हो गया, और देखिए वेलोसिटी है, फोर्स हम ये फील्ड, फील्ड कैसे लगा रहे हैं, देखिए अभी हम बताए थे आपको कि हम ऐसे, यदि ये डिस्चार्ज ट्यूब था तो हम मैग्नेटिक फील्ड कैसे लगाए थे, सो बताइए, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लगाए थे, ऐसे लगाए थे, है ना, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लगाए थे ना, नॉर्थ इधर और साउथ इधर, तो हमारा फील्ड का ऐसे होगा, देखिए सर ये देखिए ये ऐसे देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये ऐसे, ये मेरा ये देखिए, ये मेरा ऐसे डिस्चार्ज ट्यूब, ये डिस्चार्ज ट्यूब था तो ऐसे फील्ड लगाए थे, तो फील्ड मेरा ये फिंगर हो गया, देखिए इलेक्ट्रॉन इधर की ओर फ्लो कर रहा था, तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन हम किधर फ्लो कर रहे हैं, देखिए ये मेरा इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, इधर फ्लो कर रहा है, ये मेरा क्या हो गया फील्ड हो गया, फील्ड हो गया उधर साइड से मेरा क्या था, ये मेरा डिस्चार्ज ट्यूब था, डिस्चार्ज ट्यूब में ऐसे ही नहीं इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा था, फ्लो कर रहा था मतलब ये वेलोसिटी बता दिए, इधर वेलोसिटी हो गया, ये फील्ड हो गया, तो ये देखिए ये ऊपर की ओर, ये देखिए ऊपर की ओर मेरा क्या लगेगा, ऊपर की ओर मेरा फोर्स लगेगा, यानी इस समय इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर जाएगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन नहीं, ये पॉजिटिव चार्ज ऐसे ऊपर की ओर मूव कर जाएगा, ठीक है।
परपेंडिकुलर टू पाल्म लगेगा, लेकिन इस समय ये आउटवर्ड लगेगा, आउटवर्ड फिजिक्स में आपको बताया गया आउटवर्ड लगेगा। लेकिन यदि यही हम निगेटिव पार्टिकल होगा तो उस समय क्या हो जाएगा सर, बिल्कुल वेलोसिटी मेरा वही है, वेलोसिटी मेरा वही है, फील्ड भी मेरा वही है, लेकिन फोर्स जो होगा वो परपेंडिकुलर टू पाल्म लगेगा, लेकिन वो यहाँ क्या होगा, ये आउटवर्ड, यहाँ देखिए यहाँ ये पाल्म से क्या होगा बाहर की ओर जाएगा, वहाँ इनवर्ड पाल्म कर सकते हैं ऐसे, मैंने इसके पाल्म के अपोजिट साइड से वो जाएगा, यानी इधर से निकलेगा, मैंने यदि पाल्म इधर है तो इस साइड से पॉजिटिव में और निगेटिव में ये अपोजिट, यानी इस समय ये नीचे की ओर ऐसे मूव करेगा, ठीक है सर, तो ऐसे मूव करता चला जाएगा। अब जरा देखिए यहाँ इस ढंग से यदि ये वेलोसिटी, तो देखिए अभी क्या हो गया वेलोसिटी इसका, ये वेलोसिटी इधर हो गया, तो यहाँ जो वेलोसिटी हो गया तो इसका फोर्स किधर लग रहा है, देखिए इसका फोर्स किधर लग रहा है, देखिए यदि आप अब देखिए यहाँ तो अभी इस समय वेलोसिटी इधर था, वेलोसिटी इधर था तो फोर्स किधर लग रहा था, नीचे की ओर लग रहा था, देख रहे हैं ना सर, ये फील्ड है, ये वेलोसिटी है, तो फोर्स नीचे की ओर लग रहा था, देखिए फोर्स ये मेरा, ये फोर्स लग रहा है नीचे की ओर, और जो ऐसा होगा तो ये क्या होगा, ये डिफ्लेक्ट करके ऐसे इसका डायरेक्शन देखिए नीचे की ओर हो गया, देख रहे हैं इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे हो गया, तो इस डायरेक्शन में यदि आप देखिए, इस डायरेक्शन में देखिए, मतलब अब आपका क्या हो गया सो देखिए, अब आप देखिए ऐसे वेलोसिटी आपका नीचे की ओर हो गया, फील्ड आपका देख रहे हैं वेलोसिटी ये नीचे की ओर गया, ये नीचे की ओर हो गया, ये आपका फील्ड हो गया, ठीक है, ये पाल्म का अपोजिट साइड इधर, तो ये इधर आपका क्या लगेगा, यहाँ देखिए यहाँ इसका फोर्स ऐसे लगेगा, ठीक है, जो ऐसे फोर्स लगेगा तो ये क्या हो करेगा, ये जो ऐसे स्टेट जा रहा था वो अब ऐसे घूम जाएगा, वेलोसिटी ये जो ऐसे जाना चाहिए था अब इसका वेलोसिटी ऐसे स्ट्रेट हो जाएगा, देखिए ये इसे बोला ऐसे ऐसे हो जाएगा, ठीक है, यहाँ अभी ऐसे, फिर इस जगह देखिए यहाँ देखिएगा आप ऐसे, यहाँ देखिए ये फील्ड है ये, तो इस समय इसका क्या होगा, इस समय इसका फोर्स कैसे लगेगा, इसका फोर्स ऐसे लगेगा, तो इस समय ये ऐसे नहीं जा कर के ये ऐसे जाएगा, फिर इस ढंग से फिर यहाँ इसका फोर्स ऐसे लगेगा, तो उस समय ये क्या होगा, ये इस ढंग से तो ऐसे नहीं जा कर के ये फिर इस ढंग, तो क्या देख रहे हैं इसका फोर्स इनवर्ड लग रहा है नहीं, इसका फोर्स अब बैठा लीजिएगा, ये देख लीजिए यहाँ से बैठाइए ना सर, एक समझा लीजिए यहाँ से बैठे सब जगह से बैठाइएगा, कैसे बैठाइएगा, इस यहाँ से वेलोसिटी है, यहाँ वेलोसिटी है, वेलोसिटी के आधार पर आप फील्ड का डायरेक्शन देख लीजिए, एक से यहाँ समझ लीजिए, इस पर यहाँ जैसे ये नीचे की ओर था, दो जगह इस जगह समझाए थे, यहाँ भी आप समझ लीजिए, ये आपका नीचे की, यहाँ देखिए ये नीचे की ओर वेलोसिटी है, ये फील्ड है, तो ये देखिए फोर्स इधर की ओर लगा, ये देखा, फिर वैसे ही यहाँ बैठा लीजिएगा, यहाँ बैठे तो यह क्या देख रहे हैं, ये सर्कुलर, एक सर्कुलर पाथ क्रिएट हो रहा है, नहीं सर्कुलर पाथ क्रिएट हो रहा है जिसके अंदर की ओर फोर्स लग रहा है, नहीं ये सेंट्रिपिटल फोर्स है, ये सेंट्रिपिटल फोर्स किसके कारण क्रिएट हो रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्रिएट हो रहा है, नहीं तो इतना बात तो हो गई। अब जरा देखिए वहां हम शुरू करते हैं कि फोर्स ऑफ यानी मैग्नेटिक फील्ड, ये जो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नेटिक फोर्स जो क्रिएट होता है, मैग्नेटिक फोर्स आप फिजिक्स में पढ़े होंगे FM, ये क्या होता है Q into V into B ऐसे होता है, ये फील्ड है, ये वेलोसिटी है, तो अब देखिए ये मैग्नीट्यूड चूँकि निकालना है तो हम लोग यहाँ माइनस नहीं हटाते, इसके बदले E लिख देते हैं, ये V और ये B, ठीक है ये सब हटा दिए, तो यहाँ माइनस इतने लगे चुके मैग्नीट्यूड के बारे में, यहाँ ये क्या है, भी मेरा वेलोसिटी है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ई मेरा क्या है, चार्ज है, वैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसे ही हो गया आपका, क्या ये हम लिख रहे हैं एफ ई दैट विल बी इक्वल टू क्या चीज, चार्ज इंटू ई, ये मेरा इक्वेशन वन हो गया, ये इक्वेशन टू, तो हम जानते हैं वही जो अभी बिठा दिए कि स्टेशनरी स्टेट में रहने के लिए मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर था, तभी वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा था, तो फ्रॉम इक्वेशन
फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू से यदि हम देखेंगे ई वी वी इंटू ई इंटू ई, इससे ये कट गया तो वी इजकल टू क्या हो गया ई बाई बी। एक बात ये हो गया, लेकिन देखिए ये सब जो हम समझा रहे थे ये कब होता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड यदि हटा करके केवल मैग्नेट रखते हैं तो यहाँ देख रहे हैं एक सर्कुलर पाथ क्रिएट हो रहा है ना। इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड द चार्ज पार्टिकल्स रिवॉल्व फॉलो ए सर्कुलर पाथ, जिसमें सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करने का एक फोर्स अंदर की ओर काम करेगा वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, और उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसके बराबर होगा, मैग्नेटिक फोर्स के बराबर होगा। तो इस फॉलो को हम करें कि तो वी नो हम जानते हैं कि यही मैग्नेटिक फोर्स आपका क्या है, मैग्नेटिक फोर्स आपका क्या है ई वी बी है, और सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूजल फोर्स क्या होता है एम वी स्क्वायर बाई आर। और यहाँ अभी जस्ट आपको समझा रहे थे कि ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की ओर लग रहा है वो किसके बराबर है, जो खींचता है वो किसके बराबर है, इसके बराबर है, मैग्नेटिक फोर्स के बराबर है। तो आप क्या कर दीजिए 10, ये दोनों बराबर हो जाएगा तो ई वी बी इजकल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। तो ये भी से ये भी कैंसिल कर दीजिए और ई बाई एम, ई बाई एम रख दीजिए तो ये क्या हो जाएगा वी आर बी, ठीक है सर, ये वी आर बी। अब यहाँ क्या कीजिए, पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ वी भी, इसको मान लेते हैं इक्वेशन थ्री, इन भी इन इक्वेशन थ्री, थ्री में यदि हम रख दे तो क्या हो जाएगा सर ई एम इजकल टू भी आइए ई सॉरी सॉरी ये ई हो गया आइए बी स्क्वायर इंटू आर। देखिए देखिए ये कैलकुलेशन जो हम लोग किए हैं ये दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हैं, मेथड सेकेंड भी है इसका, और ये इस मेथड से भी लोग करता है, ऐसा कुछ बात नहीं। वैसे भी नीट और जेई के लिए ये बहुत ज़्यादा ये कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट नहीं, बस यूँ बता दिए। अब यहाँ एक बच गया ये आर सर, ये तो आप ई आपका हो गया क्या चीज, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, ये क्या है मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ ये क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बी क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आर क्या है, वही जो आर आपको हम बताए थे, ठीक है सर। तो देखिए इसमें आपका समस्या क्या है कि आर बताए थे कि दिस इज द रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन रेडियस ऑफ सर्कुलर और पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यही है यही रेडियस का वैल्यू यहाँ डालना है। तो ये रेडियस पता कैसे चलेगा सर, पता कैसे चलेगा इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए कि ग्लास ट्यूब में हाइड्रोजन गैस भरा जाता है, हाइड्रोजन गैस जो डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैस लिया जाता है वेरी लो प्रेशर पर हाइड्रोजन गैस लिया जाता है। तो हाइड्रोजन गैस क्या होगा, व्हेनेवर इलेक्ट्रॉन उससे स्ट्राइक करेगा, किससे इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेगा, हाइड्रोजन के एटम से स्ट्राइक करेगा, ये हाइड्रोजन के एटम है, इसमें इलेक्ट्रॉन सिमेट्री सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को जो इलेक्ट्रॉन को ये वाला इलेक्ट्रॉन कौन वाला इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन बाहर का इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेगा, ये एक्साइटेड होकर के हायर ऑर्बिट में चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर हायर ऑर्बिट में चला जाएगा, ठीक है। तो ये एक्साइटेड होकर चला गया, वेन एवर दिस इलेक्ट्रॉन रिटर्न बैक टू देयर ओरिजिनल ऑर्बिट, ये ओरिजिनल ऑर्बिट में ये एक्साइटेड ऑर्बिट में चला जाता है, एक्साइटेड ऑर्बिट में ये आपका स्टेशनरी ऑर्बिट में जब रिटर्न होगा तो उस समय ये क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा, नजर आ रहा है सर, एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है। ये एनर्जी रिलीज जो करता है ये विजिबल रीजन में करता है, विजिबल रीजन में, और ये ब्लू कलर का लाइट रेडिएट करता है। तो इसके कारण से यहाँ जो होगा जहां से ये मुड़ा है इलेक्ट्रॉन उस जगह ये ब्लू कलर का एक पाथ क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो ब्लू कलर का एक पाथ क्रिएट हो जाएगा जिससे आप क्या करेंगे, इससे डायमीटर निकाल सकते हैं, दे डायमीटर के बाद आप रेडियस भी निकाल सकते हैं, और ऐसा उन्होंने निकाला,
ठीक है। तो इस ढंग से इस फॉर्मूला में आर का वैल्यू या रेडियस का वैल्यू डाल दिया एंड देन क्या किया कि इस कैलकुलेशन का वैल्यू जब उन्होंने निकाला तो वो वैल्यू कितना आया सर, वो वैल्यू आया ए बाई एम रेशियो का, जो आपको याद करके रखना है, 1.7588 इंटू 10 पर पावर कितना, 8 कूलम्ब कूलम्ब पर ग्राम ग्राम इनवर्स, या इसी को -1.5588 इंटू 10 पर पावर 11 कूलम्ब कूलम्ब पर केजी। ठीक है सर, ये 88 को यहाँ 1.76 भी कर देता है, लोग कर देता है क्या, अभी कर लीजिएगा कुछ देर। तो दिस इज योर डिटरमिनेशन ऑफ EYM रेशियो। ठीक है, कैसे EYM, तो देखिए EYM रेशियो ना E निकाले थे वो, ना M निकाले थे, बस आपको समझा चुके। तो चलिए आज की मुलाकात को इतना ही खत्म करते हैं, देन हम लोग देखेंगे कि मिलिकन ने कैसे ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के द्वारा ई निकाला था, चार्ज निकाला था। ठीक है, और चार्ज जब उन्होंने निकाल लिया तो देन ई बाई एम रेशियो में डाल के मास निकाल लिया, देन व्हाट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज द रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन। देन आगे हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, पढ़ते रहिए मुस्कुराते रहिए और साथ साथ गाना भी गाते रहिए। तो चलिए मिलते हैं सर, आज की मुलाकात को यहीं पर समाप्त करते हुए बाय बोलते हैं, थैंक यू।